इंटेलस परसा सारण बिहार से मैं अरविंद कुमार आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास में जो लोग लॉकडाउन की स्थिति में अपने अध्ययन को नहीं कर पा रहे हैं वे लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने स्टडी को पूरा करेंगे। और मैं आप लोगों के बीच मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहा हूं। और मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम हम लोग इस्लाम धर्म की शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में होती है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मुहम्मद पैगंबर साहब थे जिनका जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था, जो कुरैश कबीला से संबंध रखते थे। और मोहम्मद पैगंबर साहब के पत्नी का नाम खादीजा था, उनके पुत्री का नाम फातिमा था और उनके दामाद अली थे। पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 एडी में मक्का में स्थित हीरा पहाड़ियों में हुआ था। उस समय मोहम्मद साहब की उम्र मात्र 40 वर्ष की हुई थी। मोहम्मद पैगंबर साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनका उद्देश्य होता है कि हमें एक ऐसे धर्म की स्थापना करनी है जहां पे एक मजहब हो जो एक एकेश्वरवादी हो और जहां पे अमन एवं शांति स्थापित हो। इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य से मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना 622 एडी में जाते हैं तो उसी के उपलक्ष में एक सनवत की शुरुआत होती है और उस सनवत का नाम है हिजरी सनवत, यानी कि मुस्लिम कैलेंडर। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है, यानी 632 एडी में हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो जो इनके अनुयायी थे, यानी इस्लाम धर्म के जो भी अनुयायी थे, उन अनुयायियों के बीच इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। वो दो भाग एक सिया होते हैं और एक सुनी होते हैं। जो सिया वर्ग होते हैं उनका कहना था कि मेरा खलीफा वही होगा जो मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज होगा, जबकि सुन्नी का कहना था, यानी कि सुन्नी वर्ग का कहना था कि खलीफा वही होगा जो पैगंबर साहब के योग्य अनुयायी हो, जो योग्य अनुयायी हो वही खलीफा होगा। खलीफा का मतलब आपको बता दें कि खलीफा का मतलब होता है इस्लाम धर्म के सुधारक। इस तरह से इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। इसके बाद इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार होती है और इनका प्रचार प्रसार इतना होता है कि इस्लाम धर्म उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तक फैल जाती है। तो
ऐसे तो इस्लाम धर्म में खलीफा बहुत हुए, लेकिन मुख्यतः चार खलीफा आपके सामने हैं, अबू बकर, उमर, उथमान या उस्मान और चौथा अली साहब। इसके बाद अरब, ऐसे तो भारत के साथ अरबों का व्यापार चलता रहता था, शुरू से ही चल रहा था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिंध पे आक्रमण का कारण क्या क्या था, है ना? तो सिंध पे आक्रमण के बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण थे, धन को लूटना, धार्मिक कारण थे, धर्म का प्रसार करना, और राजनैतिक कारण थे, मुस्लिम राज का विस्तार करना, और तत्कालीन कारण थे कि कुछ अरबी जहाज़ों को डाकुओं द्वारा लूटा जाना, और जो अरबी जहाज़ें थी वो सिंध के राज क्षेत्र में लूटी गई थी। एक तत्कालीन कारण था, और एक और कारण था जो कि इराक के हाकिम अल अजाज के साथ मोहम्मद कासिम के बीच मतभेद हुआ करता था। इस प्रकार यही मुख्य कारण थे अरबों का सिंध पे आक्रमण करने का। इस प्रकार सिंध पर आक्रमण पहली बार 636 ईस्वी में उबय दुल्ला ने किया, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। दूसरा आक्रमण बुदैल के नेतृत्व में हुआ। उस समय हजरत उमर वंश राज कर रहा था, उसी समय बुदैल ने सिंध पे आक्रमण किया, जो यह भी आक्रमण असफल रहा। इसके बाद तीसरा आक्रमण हाकिम अल अजाज के नेतृत्व में मोहम्मद कासिम ने सिंध पर किया और यह आक्रमण सफल रहा। अब हम लोग सिंध के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंध के उस समय शासक जब मोहम्मद कासिम ने और सिंध पे आक्रमण किया था, उस समय यहाँ के साथ शासक चच के पुत्र दाहिर सेन था, और दाहिर सेन को हराकर मोहम्मद कासिम ने सिंध पे अधिकार किया और पूर्णतः सफल रहा, और सिंध पर दार उल इस्लाम स्थापित किया। सिंध पे विजय पाने के बाद ए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हम लोगों को एक पुस्तक चचनामा में मिलती है। इस पुस्तक के रचनाकार अली अहमद साहब थे। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद वंश का के खलीफा के सेनापति था, लेकिन सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण 712 में हुआ था। कुछ इतिहासकारों में इस डेट को लेकर मतभेद है, जैसा कि डीडी महाजन कहते हैं, इतिहासकार डीडी महाजन कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण 711 ईस्वी में किया था, जबकि इतिहासकार हरिचंद वर्मा साहब कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पे विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार
अब हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कैसे कैसे नियंत्रण करता है और कंप्लीट सिंध को जीत लेता है। तो सर्वप्रथम कासिम ने देवल विजय किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था देवल, क्योंकि यह देवल उस समय सिंध का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने निरूर विजय किया। ये भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इस जगह पे उस समय बौद्ध भिक्षु का नियंत्रण था और मोहम्मद बिन कासिम ने निरून को जीता। लेकिन यह निरून अभी वर्तमान में आपके पाकिस्तान के हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद कासिम ने सिहनाव को जीता, जितने कारण यहां था कि इस जगह पे दाहिर का भाई बजहारा शासन करता था। इसके बाद रावर विजय, सिंध का एक महत्वपूर्ण नगर था, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि रावर विजय में ही सिंध के शासक दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अरोर विजय या अलरोर विजय या यह जो विजय था इसलिए था क्योंकि दाहिर सेन का यह राजधानी था। इसके बाद मुल्तान विजय 712 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता। जब कंप्लीट सिंध को इसने जीत लिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे एक नया टैक्स लगाया, ठीक है। और ये नया टैक्स था जजिया कर। जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये अरबवासी जो थे इनका मुख्य व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन करना था, ऊंट पालना था और खजूर का ये लोग व्यापार करते थे। बस